आज हम आपको अलिफ लैला का एक और रोमांचक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। इस फिल्म की कहानी बगदाद की पुरानी गलियों से शुरू होती है, जहां हम अली बाबा नाम के एक इंसान को देखते हैं, जिसके पास ना दौलत है ना शोहरत, और उसका इकलौता साथी है उसका वफादार खच्चर। अली बाबा अपने बड़े भाई कासिम के कहने पर ऊंट खरीदने के लिए बगदाद के बाजार में आता है, लेकिन तभी अली बाबा की नजर एक गुलाम लड़की पर पड़ती है, जो इतनी खूबसूरत होती है कि मानो आसमान से कोई परी उतरी हो। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने अली बाबा का दिल एक पल में ही जीत लिया। अली बाबा के लिए अब ऊंट खरीदना कोई मायने नहीं रखता था, उसका दिल सिर्फ उस लड़की पर अटक गया था। वह तेजी से भागता हुआ उस लड़की के मालिक के पास में जाता है और उससे लड़की को खरीदने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन बूढ़े आदमी का जवाब सुनकर अली बाबा हैरान रह जाता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का पिता होता है। गरीबी और हालात की मार ने उसे अपनी ही बेटी को बेचने पर मजबूर कर दिया था। यह सुनकर अली बाबा का दिल भारी हो जाता है। वह ऊंट खरीदने के इरादे को फौरन छोड़ देता है और अपने पास जो भी जमा पूंजी है उसमें से 200 चांदी के दीनार निकालकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है और उस लड़की मर्जीना को खरीद लेता है। इसके बाद में अली बाबा और मर्जीना बाजार से घर की तरफ निकल रहे होते हैं, तभी रास्ते में मर्जीना की नजर एक सुंदर चहचहाते तोते पर पड़ती है। तोते की रंग बिरंगी पंखों को देखकर उसकी आंखों में एक चमक सी उभर आती है और वह अली बाबा से उस तोते को खरीदने की जिद करने लगती है। अली बाबा मर्जीना की इस ख्वाहिश को समझते हुए व्यापारी के पास में गया। उसने सोचा कि यह एक साधारण तोता है और उसे आसानी से खरीद लेगा, लेकिन जब उसने व्यापारी से कीमत पूछी तो वह चौंक गया। व्यापारी ने तोते की कीमत इतनी ऊंची बताई कि अली बाबा के लिए उसे खरीदना मुश्किल हो गया। अली बाबा ने मोलभाव करने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी अपनी कीमत पर अड़ा रहा। तोते की ऊंची कीमत को देखते हुए अली बाबा ने उसे खरीदने का विचार छोड़ दिया। अली बाबा और मर्जीना बाजार में तोता ना खरीद पाने की निराशा के साथ चुपचाप घर लौट आते हैं। अली बाबा का घर देखने में एक भव्य महल जैसा था, लेकिन उसकी असली मालिकियत उसके बड़े भाई कासिम के हाथों में थी। कासिम ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाया हुआ था और अली बाबा को महल में रहते हुए भी किसी आम किरायेदार जैसा रखा हुआ था। जब अली बाबा मर्जीना को लेकर घर आता है तो कासिम का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसने अली बाबा को ऊंट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसे अब एक गुलाम लड़की के साथ देख रहा था। कासिम क्रोध में अली बाबा पर चिल्लाता है, उसकी नाकामी और फिजूल खर्ची के लिए उसे डांटता है, लेकिन जैसे ही कासिम की नजर मर्जीना पर पड़ती है उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। मर्जीना की अद्भुत सुंदरता ने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया। अब उसकी नजर में ऊंट का सवाल नहीं था, बल्कि उसकी गंदी नजर मर्जीना पर टिक गई थी। कासिम के मन में मर्जीना के लिए गलत इरादे पनपने लगते हैं और वह अपनी लालची और गिरी हुई सोच के साथ उसे हासिल करने के बारे में सोचने लगता है। वो मर्जीना को नाचने का आदेश देता है और मर्जीना भी हालात को समझते हुए मजबूरी में अपनी कला का प्रदर्शन करने लगती है। मर्जीना का डांस मंत्रमुग्ध कर देने वाला था और उसके हर कदम के साथ कासिम का लालच और बढ़ता जा रहा था। डांस खत्म होते ही कासिम मर्जीना के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तभी अली बाबा कासिम की तरफ बढ़ा और दोनों भाइयों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। अली बाबा ने अपनी पूरी ताकत से मर्जीना को कासिम के चंगुल से बचा लिया। झगड़े के बाद अली बाबा ने एक चालाकी भरी तरकीब सोची। वह भागता हुआ एक हकीम के पास गया और उससे बेहोशी की दवा लेने की योजना बनाई। हकीम को यह कहकर बहलाया कि यह दवा उसके खच्चर के लिए जरूरी है ताकि वह आराम कर सके। हकीम को अली बाबा की बात पर कोई शक नहीं हुआ और उसने दवा उसे दे दी। अली बाबा अपने दिमाग में पूरा प्लान तैयार कर चुका था। बड़ी चालाकी से वह उस बेहोशी की दवा को उसकी शराब में मिला देता है। कासिम अपनी ही हवस और नशे में चूर यह नहीं जानता था कि उसकी चालाकी का अब अंत होने वाला है। जैसे ही उसने वह दवा पी, थोड़ी देर में कासिम बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद में अली बाबा मर्जीना से मिलने उसके कमरे में जाता है और बाहर खिड़की से छिपकर बातें करने लगता है। मर्जीना इस सब घटना से बहुत दुखी होती है और वो उसका मूड सही करने के लिए तोते को लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर अली बाबा को उस व्यापारी का कारवां दिख जाता है जो दूसरे शहर के लिए रवाना हो रहा था।
अली बाबा ने व्यापारी से बातचीत की और तय किया कि वह तोते को खरीदेगा। उसने पैसे देकर तोते के पिंजरे को निकालना शुरू कर दिया। तभी 40 चोरों का एक दल कारवां पर हमला कर देता है। सारे चोर जो ऊपर पहाड़ी की ऊंचाई से सब कुछ देख पा रहे थे, बिना किसी डर के कारवां पर टूट पड़ते हैं। व्यापारी और उसके लोग हड़बड़ाहट में भागने लगते हैं, लेकिन अली बाबा को चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अली बाबा अपनी सुरक्षा के लिए एक लकड़ी के बॉक्स में छिप जाता है। चोर हर चीज को लूटते हुए और सामानों को इकट्ठा करते हुए अपनी रहस्यमय गुफा की ओर लौट जाते हैं। अली बाबा लकड़ी के बॉक्स में छिपा रहा और सब कुछ देख रहा था। चोरों का सरदार गुफा के सामने पहुंचता है और खुल जा सिमसिम कहकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही सभी चोर सामान को गुफा के अंदर ले जाने लगते हैं और सामान को रखने में व्यस्त हो जाते हैं। अली बाबा, जो लकड़ी के बॉक्स में छिपा हुआ था, धीरे धीरे बाहर आता है और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है ताकि चोरों की नजरों से बच सके। जब चोर अपनी अगली लूट के लिए दूसरी कारवां की ओर रवाना होते हैं, तब अली बाबा को मौका मिल जाता है। वह चुपके से गुफा के अंदर घुस जाता है और अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। गुफा के अंदर अकूत खजाना और सोने की अशर्फियां बिखरी हुई थीं। सोने के ढेर, बहुमूल्य रत्न और चमकदार मोती हर तरफ फैले हुए थे। अली बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसने जल्दी से अपने झोले में ज्यादा से ज्यादा सोने की दीनारें डाल लेता है। फिर चोरों के लौटने से पहले वह सावधानी से गुफा से बाहर निकल आता है और अपने घर लौट आता है। अली बाबा तोते को लेकर मर्जीना के कमरे में जाता है। वंहा उसे मर्जीना सोते हुए मिलती है, इसलिए वो तोते के उसके पास में रखकर कासिम के पास में चला जाता है। कासिम दवा के असर से गहरी नींद में था और अली बाबा ने उसे जगाने का फैसला किया। जब कासिम ने आंखें खोली तो वह पूरी तरह से गुस्से में था और अली बाबा पर एक मालिक की तरह हुक्म चलाने लगता है। लेकिन अली बाबा उसे चुप रहने का इशारा करता है और उसके चेहरे पर कुछ सोने की दीनारें फेंक देता है और मर्जीना को उससे आजाद कर लेता है। कासिम की आंखें सोने की दीनारें और अली बाबा के झोले में भरे खजाने को देखकर चौंक गईं। वह अली बाबा से खजाने का रहस्य जानने की कोशिश करता है, लेकिन अली बाबा उसे खजाने के बारे में बताने से मना कर देता है। इसलिए कासिम ने चालाकी से काम लिया और वह अली बाबा को अपने रिश्ते का वास्ता देकर बहुत सारी शराब पिलाकर पूरी तरह नशे में डाल देता है। अली बाबा कासिम को गुफा के सामने ले जाता है, लेकिन नशे की हालत में वह गुफा के दरवाजे को खोलने का मंत्र भूल जाता है। कासिम बार बार उसे डांटते हुए याद दिलाता है। आखिरकार अली बाबा किसी तरह गुफा का दरवाजा खोल देता है। दोनों ने गुफा के अंदर घुसकर खजाने को लूटना शुरू कर दिया। वे जल्दी जल्दी अपने बैग भरते हैं और खच्चर पर लाद कर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सरदार, जो चोरों का नेता था, उन्हें चोरी करते हुए देख लेता है। अली बाबा और कासिम खच्चर पर लादे खजाने के साथ जल्दबाजी में अपने ठिकाने की ओर भागते हैं। घर आने पर कासिम की बुरी नीयत और लालच सामने आ जाती है। वह तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि अली बाबा को खत्म कर दें ताकि वह उसके खजाने पर पूरा कब्जा जमा सके। दूसरी तरफ अली बाबा चालाकी से मर्जीना को लेकर भाग जाता है और रास्ते में अपने दिल की बात कह देता है। मर्जीना भी उसकी सच्ची भावनाओं को समझती है और उसे अपना दिल दे बैठती है। अली बाबा वायदा करता है कि वह हफ्ते में एक बार मर्जीना से मिलने जरूर आएगा और कुछ महीनों में दोनों शादी कर लेंगे। अली बाबा मर्जीना को उसके घर छोड़ने के बाद उसके पिता को भी कुछ अशर्फियां देता है ताकि वे मर्जीना का अच्छे से ख्याल रख सकें। इस कदम से अली बाबा ने अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी का परिचय देता है। दूसरी ओर अली बाबा अपने चार भिखारी दोस्तों से मिलता है और उनसे सवाल करता है कि अगर वे अमीर बन जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे। चारों ने सीधे साधे जवाब दिए, भरपेट खाना और सर ढकने के लिए एक घर। अली बाबा, जो अब अपने खजाने की वजह से अमीर हो चुका था, अपनी दरियादिली दिखाता है और सभी को 1,000 अशर्फियां दे देता है। अब अली बाबा बहुत अमीर हो चुका था और वह हर गरीब और जरूरतमंद की मदद करता था, जिससे वह सभी का प्रिय बन गया था। एक दिन अली बाबा को पता चलता है कि मर्जीना का पिता उसे फिर से बाजार में बेचने की कोशिश कर रहा है। यह जानकर अली बाबा की चिंता बढ़ जाती है और वह तुरंत बाजार की ओर भागता है। बाजार में पहुंचते ही अली बाबा ने गुस्से में आकर उस बूढ़े आदमी को मारकर भगा दिया। इसके बाद में उसने पूरे बाजार के सामने
एक बड़ा ऐलान किया कि वह मर्जीना से शादी करने वाला है। अली बाबा का यह ऐलान पूरे बाजार में फैल गया। कासिम भी उसी बाजार में मौजूद था और वो उसे देखकर जलन और गुस्से से भर जाता है। घर लौटते समय अली बाबा को एक भिखारी रास्ते में मिलता है जो उससे मदद की गुहार लगाता है। वह भिखारी अली बाबा से कहता है कि उसे जिन्न भगाने की कला आती है और वह उसकी शादी में आकर सभी बुरी आत्माओं से उसे बचा सकता है। अली बाबा उसकी बातों से प्रभावित होता है और उसे कुछ अशर्फियां देता है, साथ ही अपनी शादी में शामिल होने का न्योता भी दे देता है। लेकिन अली बाबा यह नहीं जानता था कि वह भिखारी असल में चोरों का सरदार था जो उस पर हमले की योजना बना रहा था। अगले दिन पूरे घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई खुश और उत्साहित था। इसी बीच कासिम भी अपने गुंडों को लेकर आता है ताकि वह अली बाबा को मार सके और उसके खजाने पर कब्जा कर सके। वह अपने गुंडों को अगले इशारे तक छिपने का हुक्म देता है और खुद सीधे घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर आकर कासिम दिखावे के लिए अली बाबा से माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह अब सब कुछ भुलाकर शांति चाहता है। वह दावत में अली बाबा के साथ बैठ जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद भिखारी के रूप में सरदार भी अपने चोरों के साथ अली बाबा के घर पहुंच जाता है। वह कासिम को देखता है और अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है, क्योंकि दोनों दुश्मन उसके सामने बैठे थे। सरदार अब सही मौके की तलाश में था। तभी मौलवी आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें स्वागत के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच कासिम अपने गुंडों को हमले के लिए इशारा कर देता है, जबकि दूसरी ओर सरदार भी अपने चोरों को तेल के मर्तबानों से बाहर आने का इशारा दे देता है। दोनों दल, चोर और कासिम के गुंडे, अचानक एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और खतरों को भांपते हुए आपस में लड़ने लगते हैं। अली बाबा पहले तो यह सब एक करतब समझकर मजा लेने लगता है, लेकिन जैसे ही एक चोर का कटा हुआ हाथ उसके पास आकर गिरता है, वह समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी कासिम भी चिल्लाता है कि यह भिखारी असल में चोरों का सरदार है। यह सुनते ही सरदार तलवार लेकर कासिम को मारने के लिए दौड़ता है। तभी दोनों तरफ के गुंडे और चोर आपस में लड़ते हुए मारे जाते हैं। अली बाबा चालाकी से कासिम और सरदार दोनों को पानी में गिराकर बेहोश कर देता है। अंत में वो शहर के सभी लोगों को गुफा का रास्ता बता देता है और देखते ही देखते सारे लोग पूरा खजाना लूट कर ले जाते हैं। इसके साथ में आज की कहानी का अंत करते हैं। हमने अलिफ लैला की और भी कहानियां एक्सप्लेन की हुई है, जिन्हें आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ में आज की कहानी का अंत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।